हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फी, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। अशोक खेमका ने सवाल उठाए हैं, सीएम को चिट्ठी लिखी है, कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद पर IPS लगाना गैर कानूनी है, सीएम ने बैकडोर एंट्री से नियुक्ति दी है। पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, जो IPS अफसर बनकर के आते हैं, उनका काम है पुलिस के अधिकारी लग करके और कानून व्यवस्था को बना करके रखना, ना कि किसी को आपने उठा करके बिजली बोर्ड में लगा दिया, किसी को माइनिंग में लगा दिया, किसी को आपने स्पोर्ट्स में लगा दिया, तो फिर IAS अफसर किस लिए? जिन्होंने डिपार्टमेंट चलाना है, जिनके जुम्मे ये डिपार्टमेंट है, उन्हीं को देने चाहिए। वो जो तीनों पुलिस के अफसर अलग अलग जो लगा रखे हैं इन्होंने, तीनों ऑनेस्ट अफसर हैं, और तीनों के तीनों को अगर कहीं प्रदेश की पुलिस की जिम्मेवारी सौंपी जाए तो 100% ये जो चिट्टा आज बिक रहा है, नशा जो आज बढ़ रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगेगा, 100% कानून व्यवस्था में सुधार आएगा, और उनके लगने के बाद अगर उनको अलग अलग जिम्मेवारियाँ ठीक ढंग से दी जाए तो मेरा मानना ये है कि हरियाणा के लोगों का विश्वास पुलिस के ऊपर बढ़ेगा। उनकी बजाय अगर ऐसे लोगों को अधिकारी लगा दोगे आप, जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझता, तो फिर अपराध तो बढ़ेगा, इसीलिए अपराध में इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, इस सब के लिए सरकार जिम्मेवार। मुख्यमंत्री जो है, जिसको चाहे जो पोर्टफोलियो दे, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। इनकी अपनी पार्टी का अंतर्कलह है, उसकी वजह से लोगों के सामने समस्या है। कुछ दिन पहले जो बहुत बड़े बोल बोलने वाले लोग थे, शांत हो गए कि नहीं हो गए? फिर ये सब ड्रामे करने की ज़रूरत क्या थी? फिर अपने आप को ताकतवर दिखाने की ज़रूरत क्या थी? अगर सरेंडर ही करना था तो फिर हुंकार किस चीज़ की थी? फिर तो पहले दिन कह देना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जो फैसला लेगा वो हमें मानना होगा। हरियाणा में सिरसा में सिंचित क्षेत्र ज़्यादा है, पिछले 10-15 साल से खाल नहीं बन पाए, आज खालों की स्थिति कंडम है, आज उन खालों के निर्माण की बजाय तमान लगाया जा रहा है किसानों पर। सिरसा की अनदेखी पिछले 15 साल से हो रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर था तब से लेकर के अब तक BJP की सरकार में सरसा का किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, मजदूर परेशान है, है तो पूरे प्रदेश भर का, लेकिन सरसा के किसान को ना तो पूरा पानी मिलता क्योंकि सारा टेल के ऊपर है, और ना ही इनको जो मूलभूत सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो यहाँ दी जा रही, इनकी अनदेखी की जा रही है। इसके लिए हमने हाउस में लड़ाई लड़ी है और भी लड़ेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कल तीसरी बैठक थी और 33 मुद्दों पे सहमति बनती बताई जा रही है। केवल नाटक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर बनाना है तो दोनों पार्टियों का जो मैनिफेस्टो है, जो वायदे किए हैं, उनको पूरा कराओ। ये फजूल की बातों में वक्त जाया करके लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। ये कहते हैं कि हम लड़कियों के लिए जो बसें चलाएंगे उनका रंग गुलाबी कर देंगे, कब आएंगी बसें, कब चलेंगी, तब तक बच्चियां क्या करेंगी? आज तो खरीदने की बात की जा रही है कि खरीदेंगे, खरीदने के बाद उन बच्चों को रूट पे लेकर के आएंगे। ये केवल ध्यान बांटना है, साल निकाल देंगे इन्हीं बातों में। राम कुमार गौतम की कई वीडियो वायरल हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, खुद दादा पोते का झगड़ा है।